हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन अकाउंटेंसी दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न हाउ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म एंड हाउ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आर टू बी डन, हाउ अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इज टू बी डन. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. So students, same like admission of a partner, when a new partner takes retirement from the firm, there are certain calculations which are needed to be done. Same like at the time of admission of a partner, ये कौन कौन सी treatments हैं जो हम retirement of a partner के वक्त करते हैं. तो पहली treatment है हमारी new ratio. Number टू, गेनिंग रेशो. जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो बचे हुए पार्टनर का शेयर जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो रेशो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, गेन करेंगे, इसलिए गेनिंग रेशो. देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ट्रीटमेंट. Accumulated losses and profits treatment. When new partner is takes retirement from the firm, at that time he takes all his share from accumulated profits and losses. Then goodwill treatment. When a partner takes a retirement from the firm, that time he takes his share of goodwill from the remaining partners. After goodwill treatment, treatment of revaluation of revaluation of assets and liabilities. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी रिवैल्यूएट करना है और इस पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी रिटायरिंग पार्टनर अपना ले जाएगा. देन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वन ट्रीटमेंट इज लेफ्ट दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट विच आर डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस दिस ईयर. So these are the treatment which are needed to be done at the time of retirement of a partner. Admission of a partner के वक्त भी यही treatments होती थी. New ratio और gaining ratio की जगह sacrificing ratio हुआ करता था. Then accumulated profits और losses की treatment, then goodwill treatment, then revaluation of assets and liabilities treatment और comprehensive question. Capital adjustment जो है वो वहाँ भी कट गई है इस साल के लिए. ओके, अब इन हम सभी कैलकुलेशंस को वन बाय वन करेंगे. आप ये सबसे पहले कैलकुलेशन लेते हैं हम लोग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की. ये पहली ट्रीटमेंट है. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके दो केसेस होंगे. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के वक्त चार केसेस थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, लेकिन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के वक्त दो केसेस हैं. फर्स्ट, व्हेन इट इज मेंशन्ड दैट रिटायरिंग partner has given his share to remaining partners in which ratio. फिर से पढ़ेंगे इसको. When it is mentioned in the question that a retiring partner has given his share
to remaining partners in which ratio? For example, मतलब रिटायरिंग एक क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन है कि रिटायर होने वाले पार्टनर ने अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को कैसे कैसे दिया, अगर ये चीज़ क्वेश्चन में लिखी है तो ये फर्स्ट केस है। और इस केस का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर रेशियो 3:1:1, सी टेक्स रिटायरमेंट एंड ही हैज गिवन हिज शेयर टू ए एंड बी इक्वली। अब उसने अपना शेयर जो था वो ए और बी को इक्वली दिया है। अपना जो शेयर था सी का शेयर था 1/5, वो अपना शेयर उसने ए और बी अपने जाने के बाद रिटायरमेंट के बाद ए और बी को इक्वली दिया। तो अगर किसी रेशो में लिखा हो कि इस रेशो में दिया, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पहले हम ए और बी का गेन निकालेंगे। एज गेन, ए का गेन कितना हुआ? सी के शेयर का आधा, क्योंकि सी का शेयर जो था वो ए और बी ने इक्वली लिया, तो सी के शेयर का हाफ। सी का शेयर है 1/5, उसका हाफ डेट इज़ 1/10। बीज गेन निकाल लीजिए, सी के शेयर का हाफ, सी का शेयर 1/5 इंटू हाफ 1/2 डेट इज़ 1/10। अब एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड था 3/5 और 1/10 उसने गेन कर लिया, तो न्यू रेशियो क्या बन गया? ओल्ड प्लस गेन, डेट इज़ कितना था उसके पास और कितना और लिया उसने, उसको प्लस कर देते हैं। सो 3/5 प्लस 1/10 डेट इज 10/6 प्लस 1 डेट इज 7/10। ओके, अब बीज न्यू शेयर, बी का था 1/5 और उसको और मिल गया प्लस, जो उसने गेन किया उसने 1/10 प्लस 1/10 डेट इज 10/2+1 डेट इज 3/10। तो 7/10 इज टू 3/10 डेट इज 7:3 इज द रेशो। ये न्यू रेशो निकल गया। तो हम कैसे निकालते हैं? जब नए पार्टनर के किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद अगर लिखा हो कि उसने अपना शेयर इस रेशो में पुराने पार्टनर्स को दिया है, तो जिस रेशो में वो दिया होगा उसको रिमेनिंग पार्टनर्स का गेन माना जाएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का पहले गेन निकालना है और उस गेन को उनके ओल्ड शेयर में प्लस कर देना है, उनका न्यू शेयर निकल जाएगा। यह है हमारा केस नंबर 1। अब हम लेते हैं केस नंबर 2, बी केस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस नंबर 2। व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड दैट रिटायरिंग पार्टनर has taken his share from retiring partner has given his share to remaining partners इन विच रेशो। मतलब व्हेन इट इज़ नॉट मेंशन, ये नहीं लिखा है कि जाने वाला जो पार्टनर है वो अपना शेयर कैसे दे के जा रहा है पुराने जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। वो एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर रेशोज 3:2:1, है ना।
बी रिटायर्स। अब बी रिटायर, ये नहीं लिखा कि बी ने अपना शेयर कैसे दिया है ए और सी को, तो ए और सी का हम गेन नहीं निकाल पाएंगे। उस केस में न्यू रेशो बन जाएगा सी को ए और सी का 3:1, है ना। बी रिटायर हो रहा है, रेशो बन जाएगा 3:1। अगर सी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो विल बी 3:2। ए रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:1। तो जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशो हम काट देंगे, बाकी का जो पुराना रेशो है ओल्ड विल बी द न्यू रेशो उन दोनों के बीच, ठीक है। तो दोनों केसेस हमारे हो गए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। अब हम करते हैं गेनिंग रेशो के। गेनिंग रेशो नंबर 2 की ट्रीटमेंट थी हमारी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो के भी दो केसेस हैं, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन।